किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रबी विपणन मौसम 2022-23 के दौरान भारत में मसूर के औसत बाजार भाव की। कृषि लागत और मूल्य आयोग या CAC द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी से पता चलता है कि मार्च से जून 2022 की अवधि में मसूर का औसत बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 21.1% अधिक रहा है, जबकि इसी अवधि में चना का औसत बाजार भाव समर्थन मूल्य से 11.1% कम रहा है। इसके बारे में जानकारी हमारे पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है। आप हमारे चैनल पर खेतीबाड़ी और सहायक गतिविधियों से जुड़े सारे पहलुओं पर वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि चना के साथ मसूर भारत की एक प्रमुख रबी दलहन फसल है। मौजूदा रबी विपणन मौसम के लिए मसूर का MSP 5500 रुपए प्रति क्विंटल है। आगामी रबी विपणन मौसम यानी 2023-24 के लिए भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 500 रुपए बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। CACP ने अपनी रबी फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन मौसम 2023-24 में कहा है कि मसूर की बाजार कीमतों में रबी विपणन मौसम 2018-19 के बाद से वृद्धि का रुझान दिखा है, लेकिन मार्च 2020 तक इसके भाव MSP से नीचे दर्ज किए गए। पिछले रबी विपणन मौसम यानी 2021-22 में मसूर का औसत बाजार भाव समर्थन मूल्य से 11.3% ऊपर दर्ज किया गया। CACP ने अपनी 2023-24 रबी मूल्य नीति में बताया है कि रबी विपणन मौसम 2022-23 के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मसूर की रोजाना बाजार कीमतें MSP से अधिक बनी हुई हैं। MP और UP में रबी विपणन मौसम 2022-23 के दौरान समर्थन मूल्य के साथ औसत भाव अंतर क्रमशः 11.4% और 19.9% दर्ज किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।